जिंदगी की जंग हार चुकी छात्रा अंकिता की मौत पर पूरे देश में बवाल। अंकिता की बर्बरतापूर्ण हत्या के विरोध में भागलपुर के सामाजिक संगठनों के द्वारा निकाला गया जन आक्रोश कैंडल मार्च यात्रा। भागलपुर दुमका की बेटी की मौत की घटना से शहर में दुख और गुस्सा का माहौल है। छात्रा के हत्या के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की जा रही है। इसी बाबत आज भागलपुर में भी छात्रा अंकिता सिंह की बर्बरतापूर्ण हत्या के विरोध में कई सामाजिक संगठनों के द्वारा जन आक्रोश कैंडल मार्च यात्रा निकाला गया। यह कैंडल मार्च यात्रा स्टेशन चौक से खलीफा बाग चौक होते हुए भगत सिंह चौक घंटाघर चौक तक लाया गया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक पूर्व नगर निगम पार्षद संतोष कुमार ने बताया कि सरकार के उदासीन रवैये के कारण आज झारखंड में लफ्जे हाट और धर्मांतरण के मामले धड़ल्ले से बढ़ते चले जा रहे हैं और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को प्रश्न देने का काम कर रही है। इस कारण ऐसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर हत्यारे शाहरुख को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाए, छात्रा अंकिता को जल्द से जल्द न्याय मिले। इस जन आक्रोश कैंडल मार्च यात्रा कार्यक्रम के दौरान शहर के सैकड़ों लोग सड़कों पर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हल्ला और प्रदर्शन के साथ साथ जन आक्रोश कैंडल मार्च करते दिखे। अंकिता जिसकी नृसिंह हत्या हुई है, हत्या हुई और ऐसी अमानवीय घटना से पूरा भारत शर्मसार है। हमारी बहन को जो है पेट्रोल छिड़क कर उसकी आग लगा दी गई और इस घटना से पूरा भारत शर्मसार है। और आज भागलपुर में यह जन आक्रोश कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग भारत सरकार और राज्य की सरकारों से ऐसे चीज़ों पर जो कड़े कानून और इसकी फांसी की सजा मिले और ऐसी घटनाएं पूर्णतः उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सड़कों पर निकले हुए हैं और ऐसे हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं। और आज पूरा भागलपुर सभी सामाजिक संगठन के लोग इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और हम लोग अभी पदयात्रा करके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कैंडल मार्च के माध्यम से। नाम बताएं। संतोष कुमार, सामाजिक कार्यक्रम भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।